हेलो अगेन, एक लाइव डेमो सेशन है DTF का, कि DTF में असल में है क्या, कैसे प्रिंट होता है, क्या होता है, चाइनीज़ इंक क्या है, इम्पोर्टेड जापानीज़ इंक क्या है, वो बताने के लिए आपको एक नया वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। सो ये कुछ आप DTF का पूरा कंप्लीट सेटअप देख रहे हो। दिस इज़ अ फ्यूजिंग मशीन, हीट प्रेस बोलते हैं इसको। ये हॉट पेल्ट पाउडर है, ये एप्सन 1800 DTF प्रिंटर, PNG डिज़ाइन, ये कुछ प्रिंटेड प्री प्रिंटेड सैम्पल्स हैं। और ये देखिए, अभी क्वालिटी कंपेयर करने से पहले मैं आपको इसका कैसे वर्क करता है ये दिखाता हूँ। वी हैव टेकन अ PNG इमेज हियर, अ ट्रांसपेरेंट PNG इमेज, बैकग्राउंड नहीं है, मिरर इमेज है। वी हैव गिवन सेम इमेज का प्रिंट ऑन दिस DTF प्रिंटर। और ये आप यहाँ पर देख रहे हो, प्रिंट आ रहा है और प्रिंट के ऊपर एक वाइट बेस कोट किया जा रहा है। तो ये डार्क गारमेंट के ऊपर भी आप यूज कर सकते हो। ये देख रहे हो आप, नीचे प्रिंट हो रहा है, नीचे CMYK के प्रिंट हो रहा है और ऊपर से वाइट कोट चढ़ाया जा रहा है। ये प्रिंट हो जाए तब तक एक बाद में आपको बताना चाहता हूँ इंक्स में फ़र्क क्या होता है। ये बॉब की इमेज आप देखोगे, दिस इज प्रिंटेड ऑन चाइनीज इंक्स। और ये इमेज यहाँ पर देखिए, इसकी ब्राइटनेस में आपको होपफुली फ़र्क नज़र आ जाएगा। ये फ़र्क होता है DTF की ओरिजिनल इंक्स और बेटर क्वालिटी इंक्स में। आई थिंक आपको ये फ़र्क समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए, इसको आप एक हल्का सा ब्लैकिश शेड दिख रहा है और इसमें आप देखोगे को तो आपको इसमें ब्राइट नज़र आएगा। सो ये फ़र्क होता है DTF की ओरिजिनल इंक्स, ओरिजिनल नहीं बोल सकता हूँ मैं, इम्पोर्टेड गुड क्वालिटी इंक्स में और इसमें, और चाइनीज़ इंक्स में ये फ़र्क होता है। इसकी डेंसिटी देखिए, प्रिंट की डेंसिटी, और ये बिल्कुल रेजिस्टेंट है, स्क्रैच रेजिस्टेंट है। तो ऐसे DTF के शीट्स पहले प्रिंट किए जाते हैं, उसको क्यूरिंग करने के बाद यू कैन स्टोर दीज शीट्स, यू कैन कट इट एंड यू कैन डायरेक्टली हीट प्रेस इट। हमारा ये प्रिंट आ जाएगा, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ थोड़े टाइम के लिए। जैसे ही प्रिंट हो जाए, इसके बाद क्या प्रोसेस करनी है वो मैं आपको बताऊँगा। आप ये जो भी टी शर्ट्स देख रहे हो, ये सब DTF पे प्रिंट किया गया टी शर्ट्स हैं। पाउडर में भी दो वैरायटीज आती है, एक तो TPO होता है, एक हॉट मेल्ट होता है, पॉलिस्टर हॉट मेल्ट होता है। तो ये भी दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर दोनों प्रिंट अलग अलग करे हैं। बट ऑब्वियस है, TPO में आपको फिनिशिंग अच्छा मिलता है। प्रिंट कंप्लीट होने वाला है अभी, ये चाइनीज हीट प्रेस है, इसको मैंने 353 पे सेट किया हुआ है, 353 फ़ारेनहाइट। जो ऑलरेडी लोग कुछ DTF कर रहे हैं उनके लिए कुछ बताना चाहता हूँ। बहुत बार होता है कि इंक पे आपको स्क्रैचेस नज़र आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे स्क्रैच बोल रहा हूँ मैं। ये जो है एंडिंग में आपको, आई होप कि आपको यहाँ पर स्क्रैच दिखाई देगा। ये जैसे स्क्रैचेस दिख रहे हैं आपको एंडिंग में, तो होता क्या है, जैसे DTF के आगे के पिकअप रोलर्स निकाले जाते हैं, मशीन के यहाँ के पिकअप रोलर निकाले गए, तो जैसे ही पेपर आउटपुट होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अगर उस पेपर ने नीचे लैंड कर दी, जब भी पेपर आउट होता है उसके बाद वो नीचे लैंड करता है, अगर नीचे लैंड किया और ऊपर से हेड जा रहा है तो वहाँ पर दिक्कत आती है, ये जो स्क्रैचिंग आता है प्रिंट के ऊपर वो उसकी वजह से आता है। तो अपना प्रिंट हो चुका है, प्रिंट जैसे ही कंप्लीट हो इंस्टेंटली आपको उसके ऊपर हॉट मेल्ट पाउडर का एप्लीकेशन करना है। तो सिंपली इस पे हॉट मेल्ट पाउडर का एप्लीकेशन कर दिया है,
जैसे हॉट मिल्क पाउडर का एप्लीकेशन हो उस पे से आपको एक्स्ट्रा एडिशनल जो पाउडर है वो निकालनी है। तो इस साइड देख सकते हो आप, इस साइड प्रिंट एरिया दिख रहा है आपको, ये प्रिंटेबल इमेज दिख रहा है रीडेबल फॉर्मेट में, और इस साइड है वाइट बेड्स कोट होके आ गई ये इमेज। अभी ये हीट प्रेस छोटी है तो मैं इसको थोड़ा कट करूँगा पहले बीच में और इसको क्योर करूँगा। हाँ, क्रिएटिव का जो ये बूथ है ये एक एग्जीबिशन में लगाया गया है। सो बिफोर एग्जीबिशन स्टार्ट्स आई वांटेड टू टेक अ वीडियो। सो दिस इज अरेंज्ड बाय स्पाई, स्क्रीन प्रिंटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अभी एग्जीबिशन की तैयारी हो रही है और DTF सेटअप इज रेडी हियर। तो ये मैंने कट किया है क्योंकि इसमें वो जा नहीं पाता था। तो सिंपली वाइट बेस को ऊपर रख के हीट प्रेस, मैंने प्रेस नहीं किया है, हीट प्रेस के और उसके बीच में गैप रखा है। तो इसके लिए अलग सा ओवन भी आता है, यू कैन बाय दैट ओवन, और सेम फ्यूजिंग मशीन में आप फ्यूजिंग भी और क्यूरिंग भी दोनों ही चीज़ें कर सकते हो। ये लगभग मैं अभी 3 मिनट के लिए रखूँगा यहाँ पर, एक बार ये क्यूरिंग हो जाए तो उसके बाद शीट्स आर रेडी टू ट्रांसफर ऑन अ टी शर्ट। दिस इज़ अ पायरेटेड वर्जन ऑफ पार्टनर रिप्ट। इसकी ओरिजिनल वर्जन 40,000 rupees की आती है। दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू शो यू, दिस इज़ प्रिंटेड ऑन DTF। सो ये आप खुद R&D कर सकते हो कि DTF से क्या प्रिंट हो सकता है क्या नहीं। आपको जो कैटलॉग है, कैटलॉग में पूरी कॉस्ट मैंशनड है, ये कैटलॉग आपको डिजिटली मिल जाएगा। तो एक बार अपना क्यूरिंग हो जाए, क्यूरिंग के बाद हम लोग देखेंगे ट्रांसफ़र कैसे होता है। सो ये शीट क्यूरिंग के लिए लगाई है, 3 मिनट का टाइम रखना वाला हूँ मैं इसको। तो 3 मिनट के लिए ये क्यूरिंग पे जाएगी, क्यूरिंग होने के बाद ये ट्रांसफ़र के लिए रेडी हो जाएगी। देखिए दिस इज़ अ जुगाड टेक्नोलॉजी, सो नो वन कैन गारंटी यू प्रिंटर का हेड लाइफ क्या है क्या नहीं है। स्पेशली ये जो प्रिंटर है आपके सामने, ये मैं ऑलरेडी 8 महीने के लिए यूज़ कर चुका हूँ, इसकी हेड में अभी तक तो मुझे कुछ प्रॉब्लम आई नहीं है। डिपेंड करते हैं आप कौन सी क्वालिटी की इंक यूज़ कर रहे हो, कौन सी क्वालिटी की पेपर्स यूज़ कर रहे हो, और प्रिंटर को कभी आपको डैमेज, हेड को डैमेज नहीं हो रहा है ना। सो यू हैव टू कंसिडर दीज थिंग्स, और हमेशा इसको CISS किट में इंक सर्कुलेटर बोला जाता है, वैक्यूम बोला जाता है। लिटरली आई एम टेलिंग यू, यू डोंट नीड सर्कुलेटर और वैक्यूम एट ऑल। खाली प्रिंटर के पार्ट्स बढ़ाने से, उसका मेंटेनेंस बढ़ाने से कुछ मतलब है नहीं। आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए भी ये प्रिंटर यूज़ कर सकते हो। बस आपको डेली बेसिस पे या जब भी आप प्रिंट शुरू करोगे तभी देखना है आपको, आप ये जो CISS किट है इसका, ये उठा के इसको शेक करोगे। ये सिंपली ये शेक करना है, ये उठाना है, इसको ऐसे शेक करना है और इसको वापस इंसर्ट करना है, दैट्स इट। बाकी इसमें कुछ भी मेंटेनेंस, कुछ भी एडिशनल एक्सेसरीज लगाने की ज़रूरत है नहीं, ये बस बेचने के तरीके हैं। बहुत सारी इंक्वायरीज हमें आती है कि हाँ यहाँ पर ये प्रिंटर मिल रहा है, वहाँ पर ये प्रिंटर मिल रहा है। मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि प्रिंटर लेना बहुत आसान है, प्रिंटर बेचना भी बहुत आसान है, उसका सर्विस इज़ व्हाट वी कैन से लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सर्विस और क्वालिटी। मैंने दोनों क्वालिटीज़ आपके सामने रखी है, चाइनीज़ इंक, दिस इज़ व्हाट वी हैव, वी इम्पोर्ट जापानीज़ इंक्स। तो ये जो क्वालिटी है, अगर आपको यही क्वालिटी, सेम क्वालिटी अगर इफ़ यू आर गेटिंग इट इन चाइनीज इंक्स, यू आर रेडी टू गो। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है जहाँ से यू कैन ऑर्डर अ कैटलॉग। कैटलॉग में वी आर वेरी क्लियर विद द कॉस्ट, सब कॉस्ट उसमें ऑलरेडी मैंशनड है। सो ये हमारा क्यूरिंग चल रहा है, शीट क्योर कर रहे हैं हम लोग, फ्यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्यों क्योर हो रहा है।
मेरे पास अभी यहाँ पर डेमो के लिए अवेलेबल नहीं था बड़ा मशीन, तो मैंने ये छोटा मशीन, यहाँ के जो डिस्ट्रीब्यूटर है, अभी हम लोग जबलपुर में हैं तो जबलपुर के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे ये मैंने मशीन, उनकी जो यूज्ड मशीन है वही मशीन मैं यहाँ पर डेमो के लिए ले रहा हूँ। निकालो, ये देखिए क्यूरिंग कैसे चेक करना है। देखिए यहाँ पर मैं ऊपर जैसे हाथ लगाता हूँ, मुझे जो पाउडर है वो मुझे हाथ को नहीं लगनी चाहिए, अभी भी थोड़ी पाउडर हाथ को आ रही है, तो इसको थोड़ा और क्यूरिंग हमें करना होगा। ये आप ये क्यूरिंग आपके ब्लोअर से भी कर सकते हो, हीट गन, हीट ब्लोअर जो होता है उससे भी आप क्यूरिंग कर सकते हो, बहुत फास्ट हो जाता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अभी देखिए यहाँ पर ये हो चुका है क्यूरिंग, अभी हम लोग इसको टी शर्ट पे ट्रांसफ़र करेंगे। जो मैं एक सैंपल के लिए ये छोटा सा प्रिंट ले रहा हूँ, हम लोग एक सैंपल प्रिंट कर रहे हैं अभी टी शर्ट पे। ट्राई इफ यू कैन प्रिंट दिस, वो प्रिंट करूँगा, रेड पे सूट होगा वो। ज़्यादा है टेम्परेचर नहीं, 5 सेकंड्स के लिए खाली रख रहे हैं हम इसको, प्रेशर अच्छा होना चाहिए डीटीएफ में कभी भी। और ये कोल्ड पील शीट्स है, तो कोल्ड ठंडा होने के बाद आपको इसको निकालना है। निकाल के उधर रख दो, उधर रख दो निकाल के। जैसे ही दूसरा प्रिंटिंग को लगा रहे हो आप, तब तक इसको आप वापस क्यूरिंग के लिए दूसरी शीट को रख दो, तब तक ये शीट क्यूरिंग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये इमेज ट्रांसफ़र हो चुकी है। आप क्वालिटी आप कैसे चेक करना है, आपको वाइट का डेंसिटी देखना है हमेशा, एक अच्छा खासा डेंसिटी आपको मिलता है कि नहीं। और ये जो साइड में आपको जो दिख रहा है, ये जो साइड में वाइट वाइट एरिया दिख रहा है, आप एक बार इसको वापस एक बार फ्यूजिंग कर दोगे तो ये वाइट एरिया निकल जाएगा। ये जो वाइट वाइट ये पाउडर होता है जो इंक के अगल बगल में है, जो पाउडर है वो आप इसको वापस एक बार हीट फ्यूज करोगे तो ये पाउडर निकल जाएगी। मैं आपको इंस्टेंटली दिखा देता हूँ, इसके लिए ब्लैक हॉट मिल्क पाउडर आता है, यू कैन यूज़ दैट पाउडर ऑल्सो, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है ब्लैक हॉट मिल्क पाउडर का। मैंने उसको विदाउट एनी पेपर वापस एक मिनट के लिए फ्यूज़ कर दिया। अभी आप देखिए यहाँ पर आपको वाइट एरिया ऑलमोस्ट नज़र नहीं आएगा, और एक बार फ्यूजिंग करोगे, अच्छे से फ्यूजिंग करोगे तो वो भी निकल जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट DTF इट्स। थैंक यू, आपको जो भी क्वेश्चंस हो, आपने हमसे मशीन लिया है नहीं लिया है नो मैटर, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। वंस अगेन प्रबोध हियर फ्रॉम क्रिएटिव ग्राफिक्स मुंबई, थैंक यू।